लबैक या हुसैन, जिंदाबाद। हमारा रिश्ता साहब बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, जबकि उस करबला की जंग में मेरे जो पुरखे थे उनको ये जो है भगवान से, उनको मालिक से ये खिदमत का मौका, एक खिदमत का मौका मिला, और उसी खिदमत की याद में आज मैं यहाँ हूँ। आपसे जितना प्यार मुझे मिला है इस हुसैनियत के लिए, शायद ही मैं उसका बयान कर सकूँ। और साहब, हजारों साल पुराने इस रिश्ते को मुझे जनरल छिब्बर साहब से, जिनकी तबीयत बहुत नासाज है, आजकल बहुत बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने कहा कि तेरे को हुसैनियत के लिए वहाँ जाना है, ज़रूर जाना है, जैसे भी हो पहुँचना है। तो देखिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुसैन साहब का जो पैगाम था, आज से ज़्यादा कभी इतना जो है पर्टिनेंट नहीं था। ठीक है, आज जंग चल रही है यूक्रेन, आज जंग चल रही है अजरबैजान आर्मेनिया, आज जंग चल रही है किर्गिस्तान ताजिकिस्तान में। ठीक है साहब, हर जगह जंग के बादल जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर टू में आए थे, आज वैसा ही माहौल पैदा हुआ है। और अगर कोई कमी रह गई थी तो किरबला, वो वहाँ आप देखिए, ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका के बीच में भी जंग छिड़ने का अंदेशा है। इतने भयानक तौर पे, इतने जो है पूरे दुनिया के तौर पे जंग का पिछला जो हमने देखा था ट्रेलर, वो था साहब पहली बड़ी जंग में, दूसरी बड़ी जंग में, जबकि लाखों लोग जो थे कुर्बान हो गए, लाखों लोग कुर्बान हो गए। तो हुसैनियत का पैगाम, इससे बड़ा, इससे ज्यादा कोई संगीन मौका नहीं था कि इस भाईचारे के पैगाम को एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया जाए, एक बार फिर उस कुर्बानी की याद दिलाई जाए, और कौन जीता हम जानते हैं, कौन जीता, जिसका नाम आज आप और मैं इतने 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 जोश से ले रहे हैं, इतनी इज्जत से ले रहे हैं, वो उनकी जीत हमेशा होगी, हमेशा हुसैन। कितनी वहाँ पे जुल्म, कितनी शिद्दत दी गई थी, किस तरह प्यास से उस वक्त लोगों को मारा गया था भूख और प्यास से, लेकिन आज उनका पैगाम जो है पूरे कायनात में, दुनिया का भी नहीं बोल रहा मैं, कायनात का बोल रहा हूँ, पूरे कायनात में वो पैगाम जो है वो फैल गया है, और फैलेगा, क्योंकि आज उसकी जरूरत। बेशक इतना कहकर मैं लोगों को कारगिल वाला, देखिए मैं क्योंकि हुसैनी ब्राह्मण हूँ, एक विरासत मुझे मिली है। मैं जब लड़ रहा था कारगिल के इलाके में, तो वहाँ शिया लोगों का बसेरा है, वहाँ पे जो है भटालिक के जो लोग हैं, वो तमाम जो विलेज है, वो गांव जो पूरा है वो शियाओं का गांव। जितनी उन्होंने मेरे को उस जंग में इमदाद दी, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज मैं जिंदा हूँ, अरे साहब आज मैं जिंदा हूँ, एक टुकड़े में हूँ, तो वो उन लोगों की वहाँ एक छोटा सा वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस रूहानी ताकत का। ठीक है साहब, बड़ी भारी तोप से वहाँ पाकिस्तान की शेलिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, और खासतर उन्होंने चुना गांव को, गांव में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ।
मैं दौड़ा एकदम कि मेरे को उनका बेचारों का लगा जो कि माथे से उनके खून गिर रहा है, ये सब गिर रहा, वो जा रहे थे। बोले बख्शी साहब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा तुम नहीं रहोगे तो फौज का रहना मुश्किल हो जाएगा। पानी वो पहुंचाते थे, खाना वो रसद पहुंचाते थे, एमुनेशन वो पहुंचाते थे। मैंने कहा बेटा छोड़ के मत जाओ। तो अली अली करके था वहाँ एक लड़का जो उनका सरदार था, तो वो मेरे साथ आया। मैंने कहा कम से कम गांव में आग तो बुझाओ। तो हम आग बुझा रहे थे, वहाँ बेचारी एक लेडी थी और उनकी बेटी थी जो पेट से थी, और गोला एकदम पेट में लगा, वहाँ पे वो गिर गई। वो जो वो थोड़ा अल्लाह चीखे मार रही थी वो बेचारी, और हम केवल इतना कर सकते थे कि बेटा बेटा हम डॉक्टर बुला रहे हैं, डॉक्टर करो। आग बुझाने की कोशिश करी, उन्होंने पाकिस्तान के पोस्ट ने मेरे को देख लिया। दूर से दिखता था वो पोस्ट, वहाँ ऊंचाई पे था। बोले ये कर्नल साहब को जिंदा वापस नहीं जाने देना, जिंदा वापस नहीं जाना। जो तोपे उस इलाके में थी साहब वो लगा दी हमारे पर। और ऐसा मंजर वहाँ पे कि मतलब कान में वो सीटी बजती थी। ये पोस्ट देखा तो उड़ गया, चीथड़े चीथड़े उड़ गए, ये उड़ गए। तो मुझे अली बोलता है साहब आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको यहाँ से एकदम अपने हेडक्वार्टर जाओ, नहीं तो आज। मैंने कहा नहीं ऐसी, जब तक गांव के लड़के नहीं जाते मैं नहीं जाऊँगा। कहते साहब हम उनको ले जाएंगे साहब, लेकिन आप यहाँ नहीं। तो मेरा ड्राइवर था उस वक्त जीप का जिसपे मैं चढ़ के आया था, तो ऐसी तोपे चलती है तो हिल जाता है बंदा। मैंने कहा बेटा तू ठीक है? कहता सर कोई बात नहीं। अली मैंने कहा बैठ जा साथ में, तो अली बैठ गया और गाइड करके उसने ऐसे इलाकों से लाया जहाँ गोले नहीं पड़ सकते थे, यानी जहाँ ऐसे खड्डा होता है ना वो, और वो वहाँ के इलाके वहाँ के रास्ते पगडंडियाँ से जानता था, तो वो जानता था। तो मेरे लिए तो साहब ये रिवर्स हो गया कि जो हमारे जो बूढ़ों ने खिदमत करी, हमारे पूर्वजों ने खिदमत करी, उसके देखिए जवाब में मेरे को शिया लोगों ने वहाँ के बचा के। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, तबाह हो गया था वो गांव, लेकिन अगर वहाँ एक चीज बची थी तो वहाँ का इमाम बाड़ा। तो बहुत बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत प्यार लेके मैं आया हूँ, बहुत दिली मोहब्बत है आप लोगों से, और आप और हमारे जो पुरखों ने जो साथ निभाया एक दूसरे का, उसकी जो है उस खिदमत की हमको बरकत मिलती रही है जिंदगी के हर मोड़ पे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जिंदा खड़ा हूँ तो उन शिया बच्चों की वजह से जो वहाँ मेरे साथ लड़े, कंधे से कंधा मिला के लड़े, और अभी भी ताल्लुकात हैं, घर आते हैं, कुर्बानियाँ लेके वहाँ की है, और बहुत प्यार से मिलते हैं जब भी मिलते हैं। और आपको भी देख के दिल में बहुत दिली एक प्रेम उमड़ता है कि आपका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है साहब, बहुत गहरा और बहुत पुराना। क्या हुसैन पूरी फौजी आवाज में क्या हुसैन, बहुत बहुत आपका हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।